और क्रिएटिव टीम के बीच राहुल वैद्य को लेकर हुआ झगड़ा। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। बिग बॉस टीवी रियलिटी शो में राहुल वैद्य एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्हें दर्शक बेहद पसंद करते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी है, इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन राहुल वैद्य जो बिग बॉस के घर के अंदर हैं, कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट से लेकर होस्ट तक को खटकते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है। ये वो न्यूज है जहाँ राहुल वैद्य को किया जा रहा है इग्नोर। पिछले वीकेंड की वार पर राहुल वैद्य को लेकर क्रिएटिव टीम और सलमान के बीच काफी ज्यादा बहस हुई, जहाँ क्रिएटिव टीम ने कहा कि या तो आप राहुल वैद्य को इग्नोर करिए या तो आप उन्हें टारगेट करिए, जिस पर सलमान को गुस्सा आया। सलमान ने कहा कि मैं टारगेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। इसी के बाद सलमान खान है जो कहीं ना कहीं राहुल वैद्य को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। ये वही राहुल वैद्य हैं और ये वही होस्ट सलमान खान है जो शुरुआती दिनों में राहुल वैद्य को काफी पसंद करते थे, उनको काफी ज्यादा सराहना करते हुए नजर आते थे, उनके पॉइंट्स को सुनते हुए नजर आते थे और उनके जो पॉइंट्स थे सलमान की नजर में काफी वैलिड लगते थे। वेल, अब ये वही सलमान हैं जो राहुल वैद्य को इग्नोर कर रहे हैं। पिछले वीकेंड के वार पर देखा होगा तो राहुल जो है बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी कई सारी बातों को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं सलमान खान। अब देखना यह है कि इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में क्रिएटिव टीम और सलमान के बीच राहुल वैद्य को लेकर झगड़ा हुआ है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वेल, कहीं ना कहीं ये बातें सच भी लगती हैं। जैसा कि आप देखते हैं, राहुल वैद्य को सलमान के साथ बातें करते हुए, उनको जिस तरह से सलमान इग्नोर करते, कहीं ना कहीं ये सच्ची बातें ही लगती हैं। खैर, क्या कहना है राहुल वैद्य को लेकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।